Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and your brother, the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back in another new video. So today's topic is eukaryotic cell. So we discuss each and everything related to eukaryotic cell in detail and interesting manner. So first we did 418 in NCERT textbook. After that elaborate each and everything with simple and easy word. So let's begin without wasting any time. तो हमारे यूकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, हमको सभी को पता है। यूकैरियोट होते हैं वो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियस वर्ड जो है, कैरियोट वर्ड जो है, कैरियस, कैरियस वर्ड जो है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस यानी इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मतलब उसमें न्यूक्लियर एनवलप होगा, है ना, अच्छा खासा न्यूक्लियस होगा इसका, इसलिए इसको यूकैरियोट बोला है ना। ट्रू न्यूक्लियस मतलब सच्चा वाला न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट में तो बैक्टीरिया रहते हैं ना, जो किंगडम मोरेटा में थे, और यूकैरियोट में हमारे क्या आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, ठीक है। और हम फंजाई को भी प्रोकैरियोट में इंक्लूड करते हैं। आर एच विटेकर साहब ने यूकैरियोट को इसमें रखे थे, प्रोकैरियोट यानी प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट में जो थे मोनेटा थे, और यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया और फंजाई आते हैं, ठीक है। इन यूकैरियोट सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे यूकैरियोट होते हैं यानी यूकैरियोट में एक अच्छा खासा कंपार्टमेंटाइजेशन पाया जाएगा, यानी उसमें हर चीज़ के अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, यानी कमरे टाइप के होंगे, रूम टाइप के होंगे, ये समझ लो सिंपल वर्ड में, है ना। यूकैरियोट की सेल में एक अच्छा खासा कंपार्टमेंटाइजेशन पाया जाता है, हर चीज़ अलग अलग होगी, है ना, वेल डेवलप और वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंस होंगे वो अच्छे खासे होंगे, और सबका एक कंपार्टमेंटाइजेशन पाया जाएगा, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब जैसे प्रोकैरियोट में थे सब के सब साइटोप्लाज्म में ही तैर रहे थे, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेज में पाया जा रहे थे, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता, ये अच्छा खासा होता है, वेल डेवलप होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। सो यूकैरियोट सेल इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो इसमें एक साइटोप्लाज्म में अच्छा खासा कंपार्टमेंटाइजेशन होगा, यानी इसमें एक अच्छे खासे रूम टाइप के होंगे, और वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उन्हीं में पाए जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, यूकैरियोट सेल पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोट सेल जो होती है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर एनवलप, है ना। यूकैरियोट सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियर एनवलप उसमें पाया जाएगा, और वो अच्छा खासा होगा, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड होगा, ठीक है। इन एडिशन इसके अलावा क्या होता है, यूकैरियोट सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, है ना। जो इसके अलावा क्या होगा, न्यूक्लियस के अलावा भी क्या होता है, जो यूकैरियोट में होते हैं, यूकैरियोट सेल में होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। लोकोमोटरी, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी ये हेल्प करेंगे लोकोमोशन में, इसमें करेंगे लोकोमोशन में, लोकोमोशन में। और साइटोस्केलेटन, है ना, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, साइटोस्केलेटन का मतलब हुआ कोशिका कंका, कोशिका, कोशिका का, साइटो वर्ड जो होता है, साइटोलॉजी जो स्टडी ऑफ सेल होता है, है ना। तो साइटोस्केलेटन का मतलब हुआ कोशिका कंकाल, है ना, जो कोशिका का बना हुआ कंकाल पाया जाएगा इसमें, यूकैरियोट में, है ना, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, यूकैरियोट में। द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, जो यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऑर्गेनाइज होगा क्रोमोसोम में, है ना, जेनेटिक मटेरियल जो होगा क्रोमोसोम में वेल ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाएंगे, हमारे न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, जो कि जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक कंटेंट को अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। All eukaryotic cell
आर नॉट आइडेंटिकल, यानी सारी की सारी यूकेरियोट सेल जो होती हैं आइडेंटिकल नहीं होती हैं, है ना। जैसे प्रोकेरियोट की सेल थी उनका फंक्शन और उनका शेप अलग अलग हो सकता था, बट उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो सिमिलर था प्रोकेरियोट के केस में। पर मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ऐसा यूकेरियोट में नहीं होता है, तभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि यूकेरियोट सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेम होता है, मतलब सारी की सारी सेल सेम होती हैं, उनका फंक्शन अलग हो या शेप अलग हो, तो ऐसा यूकेरियोट के केस में नहीं होता है, बट प्रोकेरियोट के केस में होता है अगर उनका फंक्शन और शेप उनका डिफरेंट डिफरेंट है बट उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा सेल का, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल यूकेरियोट सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सारी की सारी यूकेरियोट सेल आइडेंटिकल नहीं होती हैं, है ना, आइडेंटिकल नहीं होती हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल, है ना। प्लांट और एनिमल की सेल वॉल डिफरेंट होती है, किस मामले पे, सेल वॉल के बेसिस पे, है ना। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल जो होगी उसमें क्या पाई जाएगी, प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल पाई जाएगी। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल पाया जाएगा। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा, है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, सेंट्रल वोक्यूल पाया जाएगा, सेंट्रल वोक्यूल पाया जाएगा। सेंट्रल वोक्यूल जो होगा ये मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, क्या करता है, ये मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल का वोक्यूल, ये स्पेस, प्लांट सेल वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई, यानी प्लांट सेल का जो ज़्यादा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है वोक्यूल, है ना, क्योंकि इसका जो साइज होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। यानी प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, है ना, सेल वॉल होगी, उसमें प्लास्टिड होंगे और लार्ज सेंट्रल वोक्यूल होगा, ये प्लांट सेल की बात है। एनिमल सेल में क्या, सेल वॉल अब्सेंट होगी, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तभी हम ह्यूमन के आरबीसी को अगर वाटर पर रखेंगे तो बस्ट हो जाती है, यानी वो फट जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, विच आर अब्सेंट इन एनिमल, ये सारी चीज़ें एनिमल सेल में अब्सेंट होती हैं। क्या क्या अब्सेंट होता है, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगी, प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा और वक्यूल नहीं पाया जाएगा। बट एनिमल सेल में और कुछ पाया जाता है जो कि प्लांट से अलग है, ठीक है। ऑन अदर एंड, दूसरे तरफ एनिमल सेल है सेंट्रियोल्स, जो एनिमल सेल में क्या होगा, सेंट्रियोल्स होगा। सेंट्रियोल का काम क्या होगा, सेल डिवीजन कराएगा, ये नाम से पता चल रहा है, सी आएगा सेल सेंट्रियोल्स में, सी का मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सेल डिवीजन में हेल्प कराएगा सेंट्रियोल्स, एनिमल में सेंट्रियोल्स होता है। विच आर अब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, जो कि सारी की सारी प्लांट सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है। जो सेंट्रियोल्स होगा कहाँ पे पाया जाएगा, एनिमल सेल में जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रियोल्स होगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में पाया जाएगा। हमको ये फिगर दिखाया गया है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर दिखाया गया है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमको पहला फिगर दिखाया गया है ये किसका है, प्लांट सेल का है, क्योंकि इसमें क्या है, सेल वॉल पाई जा रही है। यहाँ पे क्या हमको दिखाया गया है, ये सेल वॉल दिखाया गया है, सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के बाद क्या है, ये हमको सेल वॉल दिखाई गई है, और इसमें मिडिल लैमला जो होती है ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। मिडिल लैमला किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की मिडिल लैमला बनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं, क्योंकि भाई प्लांट सेल लो या एनिमल सेल लो, आती है दोनों यूकेरियोट में तो मेम्ब्रेन वॉल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, है ना। तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, किसमें हेल्प करेगा, ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, है ना। और क्या, इसमें वोक्यूल है, ये मैंने आपको बताया था, वोक्यूल जो है ये देखो कितनी लार्ज साइज है इसका, तो ज़्यादातर वॉल्यूम जो प्लांट सेल का कवर करता है वो क्या होता है, वोक्यूल होता है ना, सेंट्रल लोकेटेड होता है। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, सेल वॉल के नीचे क्या आएगी, ये सेल वॉल थी उसके नीचे क्या आई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में पाई जाएगी, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिमिलर होगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम तरीके की होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या दिखाया गया हमको, ये दिखाया गया न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि जो न्यूक्लियर का एनवलप यानी न्यूक्लियस जो है वो अपने एक कवर्ड में इंक्लोज है, ठीक है। और इसमें गॉल्जी अपरेटस दिखाए गए हैं, गॉल्जी बॉडी दिखाई गई हमको, क्या दिखाई गई, गॉल्जी अपरेटस। ये आगे चल के मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में बताऊंगा आपको गॉल्जी अपरेटस क्या होता है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है,
आरएनए सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और ये क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया हमको, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया गया है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया गया है ना, और ये क्या बताया गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया गया है। ईआर की सरफेस पे यानी इंडोप्लाज्मिक में है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम चिपके होंगे तो वो उसकी जो सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, वो रफ हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और ठीक है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो किसमें हेल्प करेगा, इसके नाम से ही पता चला स्मूथ में यस आया तो वो क्या करेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। याद रखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, बट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करेगा। और ये लाइसोसोम होते हैं, मैंने आपको बताया था लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। इसमें जो होता है, इसका जो पीएच होता है, इसमें एसिडिक पीएच होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग बोलेंगे, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा डिस्मेटा होते हैं, प्लाज्मा डिस्मेटा क्या करते हैं, दो नाइवर्जिंग सेल मतलब साइटोप्लाज्म को जोड़ेंगे यानी उनके साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज कराएंगे, यानी एक चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको पिट टाइप का, ये ठीक है, दो सेल का साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाता है। और ये माइक्रोट्यूबल्स यानी छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको माइक्रोट्यूबल्स बोला गया। और क्या है, और ये पेरोक्सिसोम हो गए, साइटोप्लाज्म जो हमारा पाया गया, साइटोप्लाज्म जो होता है सब में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, ये मेन रेटिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि ये प्लांट की सेल है ना, तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होंगे, ये मेसोफिल सेल में पाए जाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और राइबोसोम तो सभी में पाया जा रहा था, प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है, यूकैरियोट में पाया जा रहा है, तो ये प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो तो उसमें भी राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे वाला जो फिगर है, नेक्स्ट फिगर हमको दिखाया गया है, ये किसका दिखाया गया है, एनिमल सेल का दिखाया गया है ना, एनिमल का दिखाया गया है। इसमें क्या है, सेल वॉल अब्सेंट है, यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या है, माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में पाई जा रही थी, तो एनिमल भी पाई जाएगी, बट इसमें सेल वॉल अब्सेंट होगी। सेंट्रियोल्स पाया जा रहा है, सेंट्रियोल्स का काम क्या था, सेल डिवीजन करवा रहा था सेंट्रियोल्स, ठीक है। और ये पेरोक्सिसोम हो गया, ठीक है, ये लाइसोसोम हो गया जिसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं। इसका जो पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, कितना पीएच होता है इसका, इसका जो पीएच होगा लाइसोसोम का पीएच जो होगा कितना होता है, 4.5 होता है, यानी ये 7 से कम है, तो इसलिए हम इसको एसिडिक पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक पीएच होता है, ये सुसाइड बैग होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, राइबोसोम दिखाए गए हमको, राइबोसोम स्ट्रक्चर होते हैं जो यूकैरियोट में राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, यानी इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो पाए जाएंगे वो 70S वाले होंगे, और जो प्लांट के केस में था क्लोरोप्लास्ट में वहाँ पे पाए जा रहे थे वो वहाँ पे भी 70S वाले पाए जा रहे थे, बट जो इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, 80S वाले राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम वही होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, मैंने बताया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है उसका लिपिड का सिंथेसिस करना। न्यूक्लियस पाया जा रहा है इसमें, ठीक है, और न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है जो कि आरएनए की सिंथेसिस कराएगा, किसकी सिंथेसिस कराएगा, आरआरएनए की सिंथेसिस कराएगा। ये क्वेश्चन में आता है कि आरएनए की सिंथेसिस कौन करवाता है, तो न्यूक्लियोलस होता है, वो न्यूक्लियोलस आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप पाई जा रही है क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग पाई जा रही है जिसको न्यूक्लियस एनवलप बोला गया, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस पाए जा रहे हैं, गोल्जी अपरेटस गोल्जी बॉडी बनाएंगे, ठीक है।
न्यूक्लियस का काम क्या होता है वो तो सभी को पता है ना। न्यूक्लियस का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये अपने पास रखेगा, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज होगा, है ना, कंटेंट करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।